ठीक है ना, तो हम अगर यहाँ पे सर्कल लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी लाइन ली है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई सी भी लाइन ली है तो मुझे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वर्टेक्स सेगमेंट स्प्लाइन दिए गए जिसके थ्रू मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, तो अब मैं मॉडिफाई में जा रहा हूँ तो उसके केवल रेंडरिंग आता है। रेंडरिंग क्या होता है? रेंडरिंग इनेबल इन रेंडर मीन्स कि अगर मैं इनेबल नहीं करता, चलो इनेबल भी कर दिया, तो रेक्टेंगल और रेडियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये आपका रेडियल दिखाएगा इस तरीके से राउंड, और रेक्टेंगल शार्पनेस दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसका रेंडर मारूंगा यानी कि F9, तो कुछ नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इनेबल इन रेंडर। अगर मैं इनेबल कर दूंगा और यहां से इनेबल इन व्यू पॉट, तो यहां नहीं दिखाएगा लेकिन रेंडर में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां ऑन कर दिया। तो आप दोनों को ही ऑन रखो। दूसरी चीज, रेक्टेंगल सॉरी रेडियल क्लियर, नीचे चलते यहां हाइट विड्थ भी दे सकते हो इसके, है ना, हाइट विड्थ एंगल जो आपको देना है, ठीक है। यहीं पे इंटरपोलेशन, ये क्या होता है? यहाँ पे सेगमेंट ऑफ लाइंस या फिर ऑब्जेक्ट, अभी मैं कम कर दूंगा, मैंने इसे पकड़ा यहाँ पे अडप्टिव, अभी ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल। अगर मैं यहाँ पे सर्कल लेता ना, आप देखो, तो आपको क्लियर होगा कि इंटरपोलेशन क्या चीज है। अब दो है, बढ़ा रहा है। अच्छा, आप बोलोगे कि ये तो पूरे का बढ़ा रहा है, मैंने तो यहाँ पे ले रखा है भाई दो, तो ये दो तो है नहीं, एक लिए तो एक तो है नहीं, क्योंकि सर्कल जब मैं ले रखा हूँ तो मैं इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन ले रखा हूँ, तो चारों तरफ से बढ़ाता है, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप उसने चारों तरफ से बढ़ा दिए, दो कर दिए, दो दो बढ़ा दिए, ठीक है। मतलब ये देखो इंटरपोलेशन है ना, एक जीरो कर दिया, तो ये हमारा है ना, एक स्क्वायर टाइप का बन गया। अगर मैं एक लूंगा तो उसने चारों तरफ से एक एक बढ़ा दी, मीन्स कि इन चारों तरफ से 1 2 3 4, तो जब वो एक बढ़ रहे हैं तो यानी कि सेगमेंट चार बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, आठ हो गया है ना। ये देखो, तो उसने एक एक बढ़ा के राउंड शेप दे दी, क्योंकि लिया तो मैंने सर्कल ही है ना। अब जितने बढ़ाऊंगा तो दो दो बढ़ रहे हैं चारों तरफ से, समझ रहे हो। अब वो जैसी जितने ज्यादा होते हैं सेगमेंट, उतनी स्मूथनेस आती है। एक तो ये हो गया हमने ऑप्टिमाइज, एक होता है अडेप्टिव, मीन्स बने बनाए, मीन्स जितने में वो राउंड शेप दे देगा अपने अकॉर्डिंग वो ले लेगा, जहां उसे लगेगा कि भाई परफेक्ट है ये सेगमेंट अपने आप, ठीक है। ऑप्टिमाइज में आप यहां से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्लियर। बस इतने ही ऑप्शंस आ रहे हैं रेडियस। लेकिन अगर मुझे इसमें एडिटिंग करनी है तो मुझे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना पड़ेगा। तीन ही तो ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिटिंग कैसे करूंगा? कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। अब तीन ऑप्शंस आ गए, वर्टेक्स सेगमेंट और स्प्लाइन। अब ये देखो आप, लेकिन आप बोलोगे मैं क्लिक इस सर कर रहा हूं, पता ही नहीं लग रहा कहां पे, यहां क्लिक कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये तब होगा आपका, कब होगा? जब मैं इनेबल करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये चार डॉट्स है केवल, सर्कल इनसे बना है, तो ये ही पकड़ सकता हूं मैं। ये देखो, अब मैं इधर पकड़ रहा हूँ, सपोज मुझे एक चेन बनानी है, मैंने इसे पकड़ा, मैंने इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करा, यहाँ पे अगर मैं खींच रहा हूँ तो ऐसे आ रहा है। मुझे यहाँ पे दो सेगमेंट चाहिए यानी कि दो पॉइंट और चाहिए, तो यहाँ कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, यहाँ हम डायरेक्टली वर्क कर सकते। कैसे? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको रिफाइन, आगे रिफाइन, रिफाइन पे क्लिक करा, एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया और एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैं टॉप पे गया, इन दोनों को पकड़ा, खेल दिया, मुझे चैन बना दिया। तो जब मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, मैंने यहाँ पे इनेबल करा और रेडियल पकड़ के मैंने इसे उठा, तो दूसरी चेन कहाँ से जाएगी भाई? यहाँ तो स्पेस होना चाहिए ना चेन को डालने के लिए। तो मैं वर्टेक्स पकड़ रहा हूँ, दोबारा यहाँ इनेबल करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, और यहीं पे होता है आपके पास ब्रेक का ऑप्शन, देख रहे हो यहीं आ रहा है ना, क्रिएट लाइन अटैच, मैंने बताया था ब्रेक,
ब्रेक क्लिक करेंगे तो अब ये कट जाएगा, ये देखो कट गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनेबल कर देंगे, देखो नीचे इनेबल, ठीक है, क्लियर है ना। आप तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दो, इसे पकड़ के यहाँ खींचा और इसको थोड़ा सा, नाइन्टी नाइन्टी की जरूरत नहीं, थोड़ा इस तरीके से कर लो। और उसके बाद अच्छा इसे ना छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है, देख लो ग्रिड कितनी हमारी छोटी लग रही है, ग्रिड के अकॉर्डिंग करो इसे, इतना भी करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये ले, अब जितने मर्जी ले लो चाहे, तो ये इस तरीके से, वो लॉक है ना, बंद नहीं करने, नहीं लॉक बंद नहीं, ये खुले रहते तभी तो इसमें जलता है, एक के पीछे एक चैन देखोगे ना खुली रहती है, ठीक है। ये देखो तो इस तरीके से चैन बन सकती है। अच्छा इसको टेढ़ा मेढ़ा भी रख सकते हो आप, वो तो आप इस तरीके से हिला सकते हो ना, ये सब करके, ये देखो फिर इतना पार्ट पकड़ के इस तरीके, जैसा करना आपको, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी ना तो थोड़ा ओरिजिनल लुक सा देगा ये, है ना। और भी करना है इसे रोटेशन, तो इस पूरे को पकड़ के, ठीक है, वैसे तो इस तरीके से रखोगे तो ही ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ी बहुत जैसे इनको पकड़ा, इसको थोड़ा सा इधर रोटेट कर दिया, ये रैंडमली करो ना, इसको पकड़ा थोड़ा सा इधर कर दिया, ये देखो, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि चैन बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होती है, इस तरीके से घूमी फिरी, ये देखो आप, है ना, तो वो पकड़ा, फिलहाल हमने, तो ये लाइन कमांड से हम इस तरीके का काम कर सकते हैं।